Hello, Bachcho, let's read the question. And here the question is, we need to study the table showing the population interaction between species, that is Z and Y respectively. Assign the appropriate here plus minus signs for A, B, D, E and respective interactions for C and F. So species Z, Y and name of interactions are given. So yahan par agar hum log key concept ki baat kar lete hain. So key concept kya hoga yahan par? That it would be population. पॉपुलेशन इंटरेक्शन. जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, दीज आर व्हाट दीज रेफर टू वेरियस वेज. ये वेज होते हैं इन विच व्हाट हैपन, जहां पर क्या होते हैं, जैसे कि डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, जहां पर डिफरेंट स्पीशीज होती हैं जो इंटरैक्ट करती हैं, डिफरेंट स्पीशीज दैट पर्टिकुलरली इंटरैक्ट. और वो इंटरैक्ट किस में करती है, जैसे कि वो इंटरैक्ट करती है प्रॉपरली विद इन एन इकोसिस्टम विद अनदर स्पीशीज. ठीक है. सो जो पॉपुलेशन है, व्हेन अ पॉपुलेशन दैट कुड बी हियर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, जब पॉपुलेशन जो होती है टू डिफरेंट स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दे इंटरैक्ट करती हैं ईच अदर, दे वुड इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती हैं. इनकी जो इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो ये इनकी इंटरेक्शन है, ये बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, दे मे बी बेनिफिशियल, ठीक है, इट मे बी हार्मफुल ऑल्सो, ठीक है, वो हार्मफुल भी हो सकती है, उसके साथ साथ वो न्यूट्रल भी हो सकती है. इट कुड बी हार्मफुल ऑल्सो एंड इट कुड बी न्यूट्रल ऑल्सो. सो कंसिडरिंग हियर, अगर हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, तो जो ये होता है ना, जैसे बेनिफिशियल होता है तो हम प्लस के साथ डिनोट करते हैं, हार्मफुल होता है नेगेटिव के साथ, न्यूट्रल होता है तो जीरो के साथ उसको डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं अपने इस क्वेश्चन में, तो ए प्लस बी इज म्यूचुअलिज्म. सो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, यू नो दैट, जहां पे दोनों को बेनिफिट हो. ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या है, जहां पर दोनों को बेनिफिट हो. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसको भी बेनिफिशियल हो रहा है, बी भी हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव है. ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों हार्मफुल है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉम्पिटिशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉम्पिटिशन. एंड यहाँ पर फिर हमें देखना है डी एंड एफ, डी एंड ई, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पैरासिटिज्म की. तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. अब पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल है, ना कोई इफेक्ट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कमेंसलिज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर, होप इट इज क्लियर, ऑल द बेस्ट.